आप लोगों ने सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, रोड रैश, नीड फॉर स्पीड, GTA सैन एंड्रियास और पबजी जैसे गेम तो जरूर खेले होंगे, पर क्या आप जानते हैं इस टाइम पर दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री 22,000 करोड़ जितनी बड़ी है। और यही नहीं बल्कि इंडिया में टेक्नो गेमर्स, पायल गेमिंग और कैरी मिनाटी जैसे गेमर्स सिर्फ गेम खेलकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो कैसे एक लेबोरेटरी में बना इन्वेंशन आज हर घर में एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। तो आइए जानते हैं कैसे हुई थी वीडियो गेम्स की शुरुआत। वीडियो गेम्स की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा साल 1952 में, जहां एक तरफ दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई। इसी वॉर के फेज में कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, पर भले ही कंप्यूटर्स को एक वॉर मशीन की तरह देखा जा रहा था, पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर E.S. डगलस ने उस टाइम पर मशहूर गेम टिक टैक टो को वर्चुअली पुराने टाइम के कंप्यूटर्स पर खेलने के लिए लॉन्च किया और इस तरह जन्म हुआ दुनिया के पहले वीडियो गेम टिक टैक टो का। और वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में विलियम हिगिनबॉटम नाम के साइंटिस्ट ने एक एनालॉग कंप्यूटर पर ऑसिलोस्कोप स्क्रीन कनेक्ट करके टेनिस गेम से इंस्पायर होकर एक वर्चुअल टेनिस गेम बनाया, जिसके बाद साल 1962 में जाकर दुनिया का पहला मल्टीप्लेयर गेम स्पेस वॉर रिलीज किया गया। ये गेम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ जिसके बाद और लोगों को भी वर्चुअल गेमिंग के लिए इंस्पिरेशन मिली। लेकिन उस टाइम पर एक दिक्कत थी कि कंप्यूटर काफी ज्यादा बड़े और एक्सपेंसिव होते थे और इन्हें एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता था। साल 1967 में रैल्फ बेयर नाम के एक इन्वेंटर ने वीडियो गेम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाए जब उन्होंने दुनिया का पहला वीडियो गेम टेस्ट यूनिट सिस्टम द ब्राउन बॉक्स इन्वेंट किया, जिसे घर में मौजूद टेलीविजन से इजीली कनेक्ट किया जा सकता था। और साल 1972 में रैल्फ बेयर ने मैग्ना वॉक्स कंपनी के साथ मिलकर इस वीडियो गेम टेस्ट यूनिट से दुनिया का पहला वीडियो गेम कंसोल मैग्ना वॉक्स ओडीसी लॉन्च किया। लेकिन ये गेमिंग कंसोल लॉन्च होने के बाद कमर्शियली तो एक फेलियर साबित हुआ, पर इस गेमिंग कंसोल ने अटारी नाम की कंपनी को एक इंस्पिरेशन जरूर दी। उसी साल अटारी कंपनी ने दुनिया का पहला एरकेड गेम पोंग लॉन्च किया और मैग्ना वॉक्स ओडिसी से इंस्पायर होने के बाद साल 1975 में अटारी ने पोंग का होम वर्जन कंसोल लॉन्च किया। लॉन्च होते ही ये गेमिंग कंसोल काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैग्ना वॉक्स ने पोंग की सफलता के बाद उसको गेमिंग कंसोल बनाने के लिए सू कर दिया, क्योंकि मैग्ना वॉक्स के पास उस टाइम पे गेमिंग कंसोल बनाने का पेटेंट था। जिसके बाद कोर्ट के लॉसूट केस के बाद अटारी कंपनी को मैग्ना वॉक्स ओडिसी का 20 साल के लिए लाइसेंसी बना दिया गया। और तो और मैग्ना वॉक्स कंपनी को $100 मिलियन इस केस को जीतने के बाद मिले, जिसके बाद लेट 70s में एक से बढ़कर एक स्पेस इन्वेडर और पैकमैन जैसे पॉपुलर गेम लॉन्च हुए, जो कि आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है। जिसके बाद साल 1981 में निंटेंडो नाम की कंपनी डंकी कॉन्ग नाम का गेम लॉन्च किया और इसी गेम ने जाकर हमें पहली बार मारियो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उस टाइम पे इस कैरेक्टर को जंप मैन के नाम से बुलाया जाता और साल 1982 में निंटेंडो ने एक और गेम डंकी कॉन्ग जूनियर लॉन्च किया, जिसमें पहली बार जाकर जंप मैन के कैरेक्टर को मारियो के नाम से बुलाया गया। और तो और डंकी कॉन्ग जूनियर ही निंटेंडो की हिस्ट्री में एक लौता ऐसा गेम था जिसमें मारियो को एक हीरो की जगह एक विलेन कैरेक्टर की तरह दिखाया गया था। डंकी कॉन्ग हद से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इस गेम की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए डंकी कॉन्ग नाम की कार्टून सीरीज तक शुरू करी गई। पर उस टाइम पर निंटेंडो सिर्फ एक वीडियो गेम कैसेट बनाने की कंपनी थी। अपने वीडियो गेम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए फाइनली जाकर निंटेंडो ने अपने एक गेमिंग कंसोल पर काम करना शुरू किया और इसी साल 1982 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी वीडियो गेम इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर लॉन्च किया। और फाइनली जाकर साल 1983 में निंटेंडो ने अपना पहला 8-bit गेमिंग कंसोल फैमीकॉम लॉन्च किया और साथ ही और बेटर कलर्स और साउंड के साथ गेम्स लॉन्च होते चले गए। और साथ ही निंटेंडो ने गेमिंग इंडस्ट्री में एक और इतिहास लिखा जब निंटेंडो कंपनी ने सुपर मारियो ब्रदर्स के नाम से एक गेम रिलीज किया।
और सुपर मारियो सिर्फ उस टाइम के बच्चों के बीच नहीं बल्कि आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है। बल्कि सिर्फ सुपर मारियो ही नहीं बल्कि डक हंट, टेट्रिस, द लेजेंड ऑफ जेल्डा और एडवेंचर आइलैंड जैसे पॉपुलर गेम्स भी इसी पीरियड में लॉन्च हुए। इसी साल सेगा कंपनी ने भी अपना फर्स्ट वीडियो गेम कंसोल SG-1000 जापान में लॉन्च किया, पर ये कंसोल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर वहीं दूसरी तरफ साल 1989 में निंटेंडो ने हैंडहेल्ड गेम बॉय गेमिंग कंसोल लॉन्च किया। जी हाँ, ये अपने में पहला गेमिंग कंसोल था जिसको टेलीविजन की भी जरूरत नहीं थी। And its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. पर सेगा ने अपने पहले गेमिंग कंसोल के फेलियर के बाद अपने नेक्स्ट गेमिंग कंसोल पर काम करना शुरू किया और साल 1989 में ही अपना 16 बिट गेमिंग कंसोल जेनेसिस रिलीज किया। 16 बिट पर बेस्ड ये वीडियो गेम कंसोल उस टाइम पर बेटर क्वालिटी के ग्राफिक के साथ गेम्स प्रोवाइड कर रहा। अपने कॉम्पिटिटर के बीच ये गेमिंग कंसोल हद से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये बात निंटेंडो को टकने लगे। इसलिए निंटेंडो ने साल 1991 में जाकर अपना पहला 16 बिट गेमिंग कंसोल लॉन्च किया, जिसके बाद जाकर कंपनीज के बीच शुरू हुआ असली गेमिंग वॉर और वो एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए एक से बढ़कर एक गेम्स लॉन्च कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये कंपनीज अपने गेमिंग कंसोल को और बेटर बनाने की रेस में लग गए। और इन्हीं गेम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के वजह से हमें सुपर मारियो ब्रदर्स, स्ट्रीट फाइटर और मॉर्टल कॉम्बैट जैसे गेम्स की लाइव एक्शन मूवी देखने को मिली। और जिसके बाद बेटर गेम्स, सस्ते प्राइजेस और बेहतरीन मार्केटिंग के वजह से सेगा ने आखिरकार जाकर निंटेंडो की गेमिंग इंडस्ट्री में मोनोपोली खत्म कर और फाइनली जाकर सेगा पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया। और इसी गेम वॉर के बीच साल 1994 में सोनी ने गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री ली और उसने कैटरिज की जगह पर सीडी बेस्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च किया। जी हाँ, ये कंसोल कोई और नहीं बल्कि द फेमस प्लेस्टेशन था। और एक साल के अंदर ही इस गेमिंग कंसोल ने 800,000 से भी ज्यादा यूनिट सिर्फ अमेरिका में सोल्ड कर। इस गेमिंग कंसोल में बेटर ग्राफिक के साथ साथ 3D क्वालिटी में गेमिंग के एक्सपीरियंस के वजह ये वीडियो गेमर्स के बीच हद से ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद जाकर साल 1995 में सेगा ने अपना 32 बिट गेमिंग कंसोल सैटर्न और निंटेंडो ने अपना 64 बिट कैटरिज कंसोल निंटेंडो 64 रिलीज किया, ताकि वो 3D गेमिंग इंडस्ट्री में फिर से एक मार्केट लीडर बन सके। पर फिर भी ये दोनों कंसोल मिलकर भी प्लेस्टेशन के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाए, क्योंकि सोनी प्लेस्टेशन को थर्ड पार्टी गेमिंग मैन्युफैक्चरर से बैकिंग मिली हुई, जिसके बाद जाकर सोनी प्लेस्टेशन की गेमिंग लाइब्रेरी हद से ज्यादा बड़ी हो गई। और क्योंकि ज्यादा गेम ऑप्शंस की वजह से कंज्यूमर ने भी प्लेस्टेशन को ही सेलेक्ट किया। सोनी ने वीडियो गेम मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए साल 2000 में प्लेस्टेशन 2 लॉन्च किया, जो कि उस टाइम पर सबसे ज्यादा बिकने वाला गेमिंग कंसोल बना। प्लेस्टेशन 2 अपने में पहला DVD बेस्ड कंसोल था। प्लेस्टेशन 2 से कम्पीट करने के लिए सेगा ने ड्रीमकास्ट, निंटेंडो ने गेम क्यूब और माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स लॉन्च किया। हालांकि कुछ गेमर्स के हिसाब से सेगा ड्रीमकास्ट काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंसोल था, जिसमें बेटर क्वालिटी गेमिंग के साथ साथ उस टाइम ही ऑनलाइन गेमिंग जैसे फीचर्स भी थे। और साथ ही ड्रीमकास्ट कंसोल के लॉन्च होने के बाद सेगा ने थर्ड पार्टी गेमिंग मैन्युफैक्चरर के दरवाजे तक खोल दिए, लेकिन फिर भी ये गेमिंग कंसोल कमर्शियली फ्लॉप हो गया। इस वजह से सेगा कंपनी ने फाइनली जाकर गेमिंग कंसोल मार्केट से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 2002 में रॉकस्टार कंपनी ने प्लेस्टेशन 2 के लिए GTA Vice City लॉन्च किया, जो कि हद से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। हालांकि GTA ने इससे पहले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, GTA लंदन, GTA 2 और GTA 3 जैसे गेम्स लॉन्च किए थे, पर Vice City गेम हद से ज्यादा पॉपुलर हुआ। और साल 2004 में जाकर हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल मार्केट को कैप्चर करने के लिए प्लेस्टेशन कंपनी ने अपना PSP पोर्टेबल कंसोल लॉन्च किया। और इसी साल 2004 में रॉकस्टार ने GTA सैन एंड्रियास रिलीज किया, जो कि रॉकस्टार फ्रेंचाइज की अब तक की सबसे सक्सेसफुल गेम में से एक है। और इसी साल इस गेम ने 27 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेचने का रिकॉर्ड बनाया। और साथ ही आगे चलकर और भी बेटर टेक्नोलॉजी के साथ गेमिंग कंसोल जैसे कि प्लेस्टेशन 3, 4, 5, एक्सबॉक्स 360, एक्सबॉक्स 1
और एक्सबॉक्स एस सीरीज जैसे कंसोल लॉन्च होते गए। साल 2013 में GTA 5 लॉन्च हुआ, जिसने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 24 घंटे में $1 बिलियन जितनी कमाई करी। ये अब तक किसी भी एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट से करी जाने वाली कमाई में सबसे ज्यादा थी। यहाँ तक कि कोई बड़े बजट मूवीज और यहाँ तक म्यूजिक एल्बम ने भी इसका रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ा। 2010 के ही दशक में बेटर क्वालिटी के साथ मोबाइल गेमिंग पॉपुलर होने लगी, जहाँ पर सबवे सर्फर, एंग्री बर्ड और कैंडी क्रश जैसे पॉपुलर गेम बनाए गए और यहाँ तक कि गैरेना, फ्री फायर और पबजी जैसे ओपन वर्ल्ड गेम्स ने मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी के कई रिकॉर्ड तोड़े। इस टाइम पर सबवे सर्फर मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम और प्लेस्टेशन 70% मार्केट शेयर के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।